नमस्कार दोस्तों, आपका श्री राम क्लासेस बीकानेर में हार्दिक स्वागत है। और आप मेरे वीडियो को अच्छे से देख करके और लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। राजस्थान का इतिहास के अंदर सबसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक उठाते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसका नाम है राजस्थान के किसान आंदोलन। तो राजस्थान के किसान आंदोलन की अगर अपन बात करें तो राजस्थान में किसान आंदोलन की दृष्टि से देखा जाए आंदोलन हुआ जिसका नाम है बिजोलिया किसान आंदोलन। और ये बिजोलिया किसान आंदोलन चाहे तो वो सेकंड ग्रेड की वैकेंसी हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी हो, चाहे वो राजस्थान पुलिस पटवार कोई भी वैकेंसी, बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रश्न अवश्य ही आता है। और इसको अपन बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। बने रहिएगा यूट्यूब पर और अच्छे से देखते रहिएगा मेरे साथ साथ, और साथ साथ लाइक भी करते रहिएगा। किसान आंदोलन के अंदर अपन आज राजस्थान का जो किसान आंदोलन पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन जो है ये पहली अगर अपन बात करें तो भारत का प्रथम संगठित किसान आंदोलन है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, भारत का प्रथम संगठित किसान आंदोलन। ऐसे प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट भी होते हैं, किसान आंदोलन ऐसे प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में कि भारत का प्रथम संगठित किसान आंदोलन कौन सा है, तो बच्चे चंपारण करके आ जाते हैं। चंपारण महात्मा गांधी का प्रथम किसान आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी ने सबसे पहले भारत में सत्याग्रह जैसे शब्द का प्रयोग किया। पर आप यहाँ बहुत ही अच्छे ढंग से देखिएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का प्रथम संगठित किसान आंदोलन था। और साथ ही साथ मैं ये भी बात बता देता हूँ कि बिजोलिया किसान आंदोलन जो है ये भारत का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन भी है। भारत का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन ये लगभग चला था कितने वर्ष, 44 वर्ष। ये भी एक बहुत शानदार प्रश्न है, इतना बड़ा या इतने लंबे संघर्ष के बाद में किसानों को कहीं जाकर के अपना निर्णय मिला और उसके बाद में किसान के जो भूमि यहाँ की जो होती किसानों को वापस से दी गई। आगे चलते हैं, देखिएगा बिजोलिया किसान आंदोलन की अपन लोग अगर बात करें तो बिजोलिया मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का। देखो हम लोग यहां मेवाड़ रियासत की अगर बात करें तो मेवाड़ राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। उन 19 रियासतों के अंदर अगर सबसे पहली रियासत की अगर बात करें अपन लोग तो वो रियासत कौन सी थी, मेवाड़ थी। जो प्रथम होगी वो सबसे क्या होगी, प्राचीन भी होगी। इसलिए बहुत ही अच्छा सा प्रश्न बनता है कि बिजोलिया एक ठिकाना है, बिजोलिया ठिकाना किस रियासत में पड़ता है, तो अपन कहेंगे मेवाड़ रियासत में। और मेवाड़ रियासत में और भी बहुत सारे ठिकाने थे पर मेवाड़ रियासत के अंदर बिजोलिया जो था ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बहुत शानदार प्रश्न है। दूसरी बात हम लोग अगर देखें कि बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू कब हुआ, तो अपन लोग ये कहेंगे कि बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से लेकर के और 1941 तक चला। इस प्रकार का प्रश्न कई बार आया है और इस प्रकार के प्रश्न मैं ऑप्शन बना करके बता देता हूं कि किस प्रकार का प्रश्न आरपीएससी पूछती है, और इस प्रकार के प्रश्नों का थोड़ा सा अपन लोग देख लेते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन जो है ये 1897 प्रारंभ हुआ, 1897 में, तो ये 1941 में ये कंप्लीट हो गया। इस प्रकार का प्रश्न कई बार इस प्रकार का एग्जाम में आते हैं, जैसे 1898 दे करके वो 1941 दे देता है, 1899 दे करके वो 1940 देता है। इस प्रकार का ऑप्शन कई बार एग्जाम में पूछा गया और इस प्रकार के प्रश्न बहुत शानदार बनते हैं। इसलिए हम लोग ये बात कहते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों तो यहाँ कई बार बच्चा क्या है कि मात खा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको ये याद है अच्छी तरीके से, ये डिफरेंस याद होना चाहिए आपको। 44 वर्ष है ना वो, जो जैसे भारत का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन बिजोलिया है, 44 वर्ष चला, ये सबको याद है। पर ये जो चीज़ है ना, ये 1897 से 1941 के बीच इस प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो है आरपीएससी कई बार उठाती है और हमें ऐसे प्रश्न आते हुए भी क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो इसके अंदर अपन लोग अगर देखें तो अच्छे से पता है कौन सा होगा, ए नंबर ऑप्शन 1897 में ये किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ और 1941 में कंप्लीट हो गया। दूसरी अगर बात करें बिजोलिया की तरफ से, अगर हम लोग बात करें तो बिजोलिया एक ठिकाना है
और बिजोलिया ठिकाना मेवाड़ रियासत का एक बहुत अच्छा शासक हुआ जिसका नाम राणा सांगा था। थोड़ी सी अपन लोग इतिहास में चले जाते हैं और उसके बाद थोड़ा देखते हैं, बात 1527 की है। 17 मार्च 1527 के अंदर राणा सांगा ने खानवा का युद्ध किया। इस खानवा के युद्ध के अंदर अशोक परमार नाम का एक व्यक्ति था। अशोक परमार, बहुत अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न भी कई बार पूछे गए कि अशोक परमार कहां का निवासी था, तो ये अशोक परमार जो था ना ये जगनेर भरतपुर का निवासी था, जगनेर भरतपुर का निवासी। बहुत बढ़िया प्रश्न है, तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा का अशोक परमार ने सहयोग किया, इसलिए राणा सांगा ने खुश होकर के और अशोक परमार को एक ठिकाना दिया, उस ठिकाने का नाम क्या था, बिजोलिया। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बिजोलिया जो था यह ठिकाना किसको दिया गया, तो अशोक परमार को दिया गया और अशोक परमार थे कहां के, जगनेरे भरतपुर के। नेक्स्ट अपन लोग अगर देखें बिजोलिया किसान आंदोलन की और भी बहुत अच्छी बातें हैं। बिजोलिया का अगर प्राचीन नाम देखा जाए तो बिजोलिया का प्राचीन नाम है विजयावली। बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या है, विजयावली। इस प्रकार के प्रश्न थोड़ा सा मैं आपको इतिहास के एक तो प्रारंभिक टॉपिक में ले जाना चाहता हूं, बिजोलिया से वहां से भी एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। हमारे राजस्थान के अंदर बिजोलिया शिलालेख है, थोड़ी सी बात आप लोग सुनिएगा अच्छी तरीके से। बिजोलिया एक शिलालेख है और बिजोलिया शिलालेख जो है ना ये बात 1170 ईस्वी की है। बिजोलिया शिलालेख 1170 में मिला और इस शिलालेख के अंदर कुछ शब्द खुदे हुए मिले जैसे वत्स्य गोत्र ब्राह्मण भूते। तो एक हमारा राजस्थान का इतिहासकार जिसका नाम था डॉक्टर दशरथ शर्मा, बहुत बढ़िया इतिहासकार है ये राजस्थान का, इसकी पुस्तक भी आती है राजस्थान के इतिहास की। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बिजोलिया शिलालेख को पढ़ करके ये कहा है और इस शिलालेख में जो वत्स्य गोत्र ब्राह्मण भूते जैसे शब्द डॉक्टर दशरथ शर्मा को मिले, इन शब्दों के आधार पर ये कहता है डॉक्टर दशरथ शर्मा कि हमने बिजोलिया शिलालेख को पढ़ा और इस शिलालेख के आधार पर हम ये कहते हैं कि राजस्थान में चौहानों की उत्पत्ति जो थी वो ब्राह्मण जाति से हुई है। दोस्तों बहुत बार इसका प्रश्न आया है कि राजस्थान का कौन सा शिलालेख ऐसा है जो ये मानता है कि चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई है, ब्राह्मण जाति से हुई है। तो इस प्रकार के प्रश्न तो लाखों बार पूछा गया है और यह शिलालेख जो है 1170 का यही एक एकमात्र ऐसा शिलालेख है जो यह कहता है कि चौहानों की उत्पत्ति किस जाति से हुई है, ब्राह्मण जाति से। और ब्राह्मण जाति से अगर अपन बात करें तो डॉक्टर दशरथ शर्मा जो है, और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस शिलालेख को पढ़ करके ये कहा है कि राजस्थान में जो चौहान वंश हुआ ये चौहान वंश की उत्पत्ति जो थी ये ब्राह्मण जाति से हुई है। दोस्तों साथ साथ मैं इस बात को और भी बता देता हूं कि डॉक्टर दशरथ शर्मा के अलावा अगर गोपीनाथ शर्मा की अगर बात करें, और गोपीनाथ शर्मा के अलावा एक बहुत शानदार छुपा हुआ प्रश्न जिसकी हम लोग अगर बात करें, जैसे एक ग्रंथ आपने देखा होगा जिसका नाम है कायम खा रासो। कायम खा रासो लिखा था जान कवि ने, लिखने वाले का नाम क्या है, जान कवि। इस जान कवि की अगर बात करें तो कायम खा रासो में गोगाजी चौहान हमारे लोक देवता हुए जिनको सांपों का देवता कहते हैं। तो गोगाजी चौहान की जीवनी लिखते समय जान कवि ये बात को प्रतिपादित करता है कि हाँ बाकायदे बात बिल्कुल सही है, राजस्थान में चौहान वंश की उत्पत्ति ब्राह्मण जाति से हुई है। तो इस प्रकार का प्रश्न जो है कि राजस्थान में इस पर कौन सा शिलालेख ऐसा है जिसकी आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण जाति से हुई है। वैसे अगर थोड़ा सा अपन लोग बात करें इतिहासकारों में तो चंद्र बरदाई की अगर बात करें तो चंद्र बरदाई तो आपको पता ही है कि चौहानों के इतिहास में सबसे बड़ा इतिहासकार हुआ, और सबसे बड़ा इतिहासकार हुआ तो उसी माध्यम से हम लोगों ने ये कहा चंद्र बरदाई ने। तो आपने लाइन सुनी होगी, 4 बांस 24 गज अंगुल प्रमाण ता ऊपर सुल्तान हर मत चुके चौहान, है ना। तो इस प्रकार का थोड़ा ध्यान रखना। तो बिजोलिया शिलालेख ही मैंने आप लोगों को बताई। दूसरी बात जो हम लोग बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित पढ़ना चाहते हैं वो बात यह है कि बिजोलिया किसान था और राव कृष्ण सिंह की अगर अपन लोग बात करें तो राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया ठिकाने के अंदर कुल मिलाकर के 84 प्रकार के कर लगाए। 84 प्रकार के कर तो लगाए पर 84 प्रकार के कर जो थे वो भी किसान सहते रहे, पर राव कृष्ण सिंह ने 84 प्रकारों के अंदर अपन दो कर जो है वो महत्वपूर्ण माने जाते हैं जिसके अपन लोग अगर बात करें तो एक तो बेगारी कर, बहुत बढ़िया प्रश्न है, एक है लाटा और दूसरे का नाम है कुंटा, बहुत बढ़िया। इनका दोनों का अर्थ कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लाटा क्या है, तो खड़ी फसल पर जो तैयार खड़ी फसल पर जो कर लिया जाता था उसको हम लोग लाटा करके नाम से जाना जाता है, और फसल को निकाल करके फसल का जो ढेर होता है जिके नापा खड़ो के वहां,
तो जो फसल का जो ढेर है ना, उस ढेर को जो मतलब बांट करके राजा लोग जो कर लेते थे उसको क्या कहते हैं? कुंटा। तो बहुत अच्छे से दोनों के ध्यान रखिएगा, लाटा यानी खड़ी फसल पर लिया जाने वाला कर, और कुंटा अगर अपन बात करें तो फसल की जो निकाल करके तैयार जो ढेर होता था उसका जो लिए जाने वाला कर क्या कहलाता है? कुंटा के नाम से जाना जाता है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन में कर तो बहुत प्रकार के लगे, 84 प्रकार के लगे, बाकी दो कर विशेष आप लोग ध्यान रखना, एक तो लाटा और दूसरा कौन सा? कुंटा। और एक तो सभी करों के अंदर रहेगा बेगारी। आगे चलते हैं, ठाकुर जागीरदार यहाँ का राव कृष्ण सिंह, राव कृष्ण सिंह यहाँ के जागीरदार जो बने, ये भी एक शानदार प्रश्न है। जागीरदार बने थे 1894 में और 1906 तक रहे। फर्स्ट ग्रेड 2016 फर्स्ट पेपर में इस प्रकार का प्रश्न एक आया कि राव कृष्ण सिंह कब से कब तक बिजोलिया के ठिकानेदार रहे, तो 1894 से 1906, ऐसे प्रश्नों को आप लोग विशेष याद रखिएगा। तो राव कृष्ण सिंह ने कुल 84 प्रकार के कर लगाए, और उन 84 प्रकार के कर लगाए तब किसानों में इस बात का रोदा हुआ, और किसानों ने इस राव कृष्ण सिंह की जो अपन बात करें दमन की जो नीति थी, इस नीति को समाप्त करने के लिए, और मेवाड़ का उस समय राजा था महाराणा फतेह सिंह जी, महाराणा फतेह सिंह जी, क्योंकि मेवाड़ रियासत का ठिकाना है बिजोलिया, तो मेवाड़ के शासक फतेह सिंह के पास में किसानों ने जाने का एक निर्णय लिया। बोले हम राजस्थान के जो बिजोलिया के जो किसान थे, इन किसानों ने मेवाड़ रियासत के महाराणा फतेह सिंह के पास में जाकर के इस बात का निदान पाने के लिए गए, क्योंकि हमें इस ऐसे 84 प्रकार के कर नहीं चाहिए। बहुत शानदार प्रश्न, देखिएगा आप लोग। मैं यहाँ पर आपको एक और अच्छी सी बात बता देता हूँ, बिजोलिया किसान आंदोलन के चरण की अगर बात करें तो बिजोलिया किसान आंदोलन के चरण थे तीन। मैं आपको एक एक चरण की बात बता देता हूं। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम जो चरण था वो 1897 में तो प्रारंभ होगा और 1916 में समाप्त हो जाएगा। जैसे ही विजय सिंह पथिक की बिजोलिया किसान आंदोलन में एंट्री होगी, बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा। तो हम बात करेंगे 1916 से लेकर के 1927 तक। विजय सिंह पथिक और माणिक्य लाल वर्मा की आपस में बनी नहीं, इसलिए जैसे ही विजय सिंह पथिक किसान आंदोलन से अलग हुए तो अलग होते तीसरा चरण प्रारंभ हो गया, और 1927 से लेकर के 1941 तक बिजोलिया किसान आंदोलन आखिरकार 41 में समाप्त हो गया। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के कुल कितने चरण की अपन बात करें तो कितने चरण थे? तीन चरणों में ये समाप्त होगा। मैं चरण के हिसाब से आप लोगों को बढ़ाऊंगा, और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा चरणों का भी। तो हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण, बहुत ही अच्छे से सुनिएगा, आराम से आप लोग। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो थोड़ा थम लगा करके बताइएगा कि आनंद आ रहा है पढ़ने में या नहीं आ रहा है, या क्लास की जो फीलिंग आनी जरूरी है, एकदम एक्टिव बने रहिएगा और साथ साथ में कमेंट भी करते रहिएगा। और हाँ, थंबनेल देते रहिएगा। तो प्रथम चरण की अगर बात करें तो प्रथम चरण जो है 1897 से लेकर के 1916 तक बिजोलिया किसान आंदोलन का जागीरदार की अगर बात करें तो जागीरदार का नाम था राव कृष्ण सिंह। मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए, राव कृष्ण सिंह। राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया ठिकाने में जब 84 प्रकार के कर लगाए तो यहाँ के किसानों ने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास में जाने का निर्णय लिया, और दो व्यक्तियों को मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा गया, और वही दो व्यक्ति सेकंड ग्रेड 2017 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया कि निम्न में से बिजोलिया किसान आंदोलन से कौन संबंध रखते, तो उनकी हम लोग बात करते हैं। तो देखिएगा आप लोग, अपन लोग अगर बात करें तो बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर गंगाराम धाकड़ की मृत्यु हुई। गंगाराम धाकड़ की मृत्यु हुई, यानी गंगाराम धाकड़ का मृत्यु भोज जो था, इस मृत्यु भोज पर किसान एकत्रित हुए, और किसान एकत्रित होकर के और किसानों ने एक फैसला लिया, बोले हम मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास जाएंगे। तो यहाँ से दो व्यक्तियों को मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा जाएगा, और यही प्रश्न सेकंड ग्रेड 2017 के एग्जाम में आया, बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया। एक का नाम है नानजी पटेल और दूसरे का नाम है ठाकरी पटेल।
गंगाराम धाकड़ की मृत्यु भोज पर किसान एकत्रित हुए और किसानों ने राव कृष्ण सिंह की दमन की जो करों को समाप्त करने के लिए मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास में दो व्यक्तियों को यहां से भेजा गया, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। तो ये दोनों व्यक्ति मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास में मुलाकात करने के लिए गए तो थे, पर मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से इनकी मुलाकातें नहीं हो पाई। ये वापस बिजोलिया ठिकाने जैसे ही पहुंचे तो इस बात का पता राव कृष्ण सिंह को लग गया और राव कृष्ण सिंह ने नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को बिजोलिया निष्कासित कर दिया। जैसे ही बिजोलिया से निष्कासित दोनों व्यक्तियों को किया गया तो बिजोलिया के जो ठिकाने जो किसान जो थे उनमें ज्यादा इस बात का रोष हो गया और राव कृष्ण सिंह ने किसानों की इस बात की पता लगा राव कृष्ण सिंह को, बोले मेरे विरुद्ध राजा के पास यहाँ किसान शिकायत लेकर गए हैं। इसलिए एक बहुत शानदार प्रश्न या लाइन में बता रहा हूँ, थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। इस बात से राव कृष्ण सिंह जी नाराज हो गए, बोले मेरे विरुद्ध जाकर के राजा के पास शिकायत करने के लिए गए हैं। तो राव कृष्ण सिंह ने 1903 में कर लगाया, उस 1903 में कर का नाम था जिसका नाम था चंवरी कर। बहुत बढ़िया प्रश्न, कई बार एग्जाम में रिपीट हुए थे ऐसे प्रश्न। 1903 में चंवरी कर लगाया। क्या था चंवरी कर? चंवरी कर एक ऐसा कर था जो लड़की के विवाह पर लिया जाने वाला कर था। ये एक ऐसा कर था जो समाज को अपने आप को अपमानित करने वाला कर था। इसलिए इस कर के विरोध में किसानों में ज्यादा रोष पैदा हुआ और इस बिजोलिया किसान आंदोलन की एक सबसे पहले एक व्यक्ति को बागडोर हाथों में दी गई, उसका नाम है साधु सीताराम दास। बहुत बढ़िया प्रश्न है, साधु सीताराम दास को इस किसान आंदोलन की सर्वप्रथम बागडोर हाथों में दी गई और साधु सीताराम दास के साथ में किसानों ने सर्वाधिक इसका विरोध किया चंवरी कर का। इस बात से राव कृष्ण सिंह ने हार करके या घबरा करके 1904 में चंवरी कर को क्या कर लिया गया, समाप्त कर दिया। मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं, चंवरी कर क्या है? लड़की के विवाह पर लिए जाने वाला 5 रुपए का कर। एक एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा आप लोग, चंवरी कर क्या है? तो मैं बता देता हूं कि लड़की के विवाह पर लिए जाने वाला एक कर था, कितने रुपए का है? तो 5 रुपए का है। किसने लगाया? तो राव कृष्ण सिंह ने लगाया। कब लगाया? तो 1903 में। यानी एक एक प्रकार के प्रश्न यहां से पुट अप हुए हैं। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान रखिएगा, राव कृष्ण सिंह जी इस बात से नाराज हो गए थे, बोले मेरे विरुद्ध जाकर के मेवाड़ के महाराणा के पास में जब किसान शिकायत लेकर गए हैं तो इसी विरोध के अंदर राव कृष्ण सिंह ने 1903 में चंवरी कर लगाया और साधु सीताराम दास के साथ किसानों ने मिलकर इसका सर्वाधिक विरोध किया। तो राव कृष्ण सिंह ने घबरा करके 1904 में इस कर को वापस ले लिया। आखिरकार राव कृष्ण सिंह की 2 साल में मृत्यु हो गई, यानी राव कृष्ण सिंह 1906 में क्या हुई, मृत्यु हो गई। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु निसंतान हुई थी, इसलिए राव कृष्ण सिंह के बाद में इसके औलाद तो कोई थी नहीं, तो इसलिए राव कृष्ण सिंह के बाद में इसका रिश्तेदार जिसका नाम हम लोग अगर बात करें तो पृथ्वी सिंह जो था, तो पृथ्वी सिंह यहाँ का जागीरदार बना। बहुत ही अच्छा प्रश्न, सबसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो थम लगा करके बताइएगा, साथ साथ कमेंट करते रहिएगा। अगर क्लास में आनंद आ रहा है तो क्लास के जैसे अगर माहौल है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एक एक ऐसी चीज़ बताना चाहे तो वो RS के लेवल का, अपन बहुत ही अच्छे से एक भी चीज़ को पीछे नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा वादा है। और मैं आप लोगों को हमेशा ये भी कहता हूँ कि या तो किसी चीज़ को पढ़ो मत या फिर टाइम लगे भी लग जाएगा आप मेरे वीडियो को। हाँ, तो आगे राव कृष्ण सिंह की 1906 में मृत्यु हो जाती है निसंतान। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद में उनके रिश्तेदार पृथ्वी सिंह बिजोलिया के नए जागीरदार बने। जैसे पृथ्वी सिंह नए जागीरदार बने 1907 के अंदर राव पृथ्वी सिंह ने कर लगाया, उस कर का नाम था तलवार बंदा कर। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है, तलवार बंदा कर। आपसे पूछा जाए कि तलवार बंदा कर क्या है, तो एक उत्तराधिकारी कर था। कैसा कर था? उत्तराधिकारी कर। मैं आपको इस बात का विशेष बता भी देता हूं कि सर ये उत्तराधिकारी क्या होता है। बाप की मृत्यु होने पर बड़े बेटे के उत्तराधिकारी यानी पगड़ी बांध करके, हाँ पगड़ी बांध करके, और उसके बाद में उसको घर का मुखिया बनाया जाता था, वही उत्तराधिकारी कर था। तो इसलिए राव पृथ्वी सिंह जैसे ही बिजोलिया के जागीरदार बने 1907 में उन्होंने तलवार बंधाई कर लगाया। इसका मतलब बहुत शानदार से याद रखिए कि तलवार बंधाई कर क्या है, एक उत्तराधिकारी कर था। कब लगाया गया? 1907 में। और लगाया था पृथ्वी सिंह ने। अब
अब देख साधु सीताराम दास और बिजोलिया के जो अनेक और किसान जो थे इसका विरोध करते करते और बात आ गई थी 1915 की। 1915 की जब बात आई तब साधु सीताराम दास ने ओछेड़ी गांव, अब थोड़ा सा अच्छे से आप लोग बने रहिएगा, मैं आपको बहुत शानदार बात बताने जा रहा हूं, तो इसको थोड़ा सा आप लोग सुनते रहिएगा। मैं एक बार फिर भी रिपीट करूंगा अपन प्रथम चरण को। गांव का नाम क्या है? ओछेड़ी गांव है। गांव का नाम ओछेड़ी गांव। ओछेड़ी गांव कहां पड़ता है तो अपन कहेंगे चित्तौड़गढ़ में है। ओछेड़ी गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर अपन लोग बात करें तो साधु सीताराम दास ने इस ओछेड़ी गांव के अंदर किसानों की सभा को आमंत्रित किया। और इस किसानों की सभा को जैसे ही आमंत्रित किया ना, तब साधु सीताराम दास को ये लगा ओछेड़ी गांव के अंदर किसानों की सभा बुलाई। और साधु सीताराम दास जैसे इस किसानों की सभा को संबोधित कर रहे थे तब साधु सीताराम दास ने भारत के बहुत एक अच्छे क्रांतिकारी जिसको आप लोग नाम जानते होंगे विजय सिंह पथिक को यहां पर आमंत्रित करता है। साधु सीताराम दास विजय सिंह पथिक को 1915 ईस्वी में ओछेड़ी गांव चित्तौड़गढ़ में आमंत्रित करता है। जैसे जैसे विजय सिंह पथिक ने इस किसान आंदोलन की बागडोर अपने हाथों में ली थी वो सन 1916 हो गया था। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको फिर बता देता हूं कि ओछेड़ी गांव चित्तौड़गढ़ में साधु सीताराम दास ने किसानों पर लग रहे अनेक प्रकार के करों को खत्म करने के लिए किसानों की एक सभा को आमंत्रित करता है। वो जगह कौन सी है? ओछेड़ी गांव। भैया पूछा जा चुका है ऐसा प्रश्न, कौन आंदोलन की बागडोर विजय सिंह पथिक के हाथों में दे दी? जैसी हाथों में दी तो बात 1916 की, और विजय सिंह पथिक के हाथों में लेने से बागडोर और बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण तो समाप्त हो गया और दूसरा चरण क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। अब देखिएगा, अब बहुत मैं एक बार फिर आपको प्रथम चरण रिपीट कर देता हूं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रथम चरण जो था 1897 में, भैया अच्छे से याद रखिएगा, चरण देख के प्रश्न अंदर से कई बार पूछता है, आरपीएस ऐसे प्रश्नों को उठाएगी कि बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण कब से कब तक। तो एक तो 1897 से 1915 इस प्रकार का प्रश्न पूछ जा चुका है, 1897 से 1915। तो यहां बच्चे जो है विद्यार्थी वो पढ़ावा पूरा नहीं होता है तो मात खा जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा 1897 से 1916 तक प्रथम चरण हुआ। प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया बहुत अच्छे से सुनिएगा, पर मैं बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। प्रथम चरण का नेतृत्व की अगर बात करें तो नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास ने। किसने किया था? साधु सीताराम दास ने। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम जागीरदार की अगर अपन बात करें जिसने 84 प्रकार के कर लगाए, उसका नाम था राव कृष्ण सिंह। राव कृष्ण सिंह ने कितने प्रकार के कर लगाए? 84 प्रकार के कर लगाए। ये 84 प्रकार के कर लगाए तो किसान एकत्रित होकर के राव कृष्ण सिंह के करों को समाप्त करने के लिए मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास में पहुंचे, तो दो व्यक्तियों को भेजा गया। यही 2017 सेकंड ग्रेड में पूछा गया, और वो दो व्यक्ति थे नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। ठाकरी पटेल और नानजी पटेल मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास पहुंचे, उनकी मुलाकात नहीं हुई मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह, वो वापस जब बिजोलिया पहुंचे ना तो राव कृष्ण सिंह को इस बात का पता चल गया। और राव कृष्ण सिंह ने ऐसी बात सुनी, बोले मेरे विरुद्ध जाकर के मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास ये किसान गए हैं। तब क्या हुआ, राव कृष्ण सिंह ने गुस्से के अंदर नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया। और बिजोलिया से निष्कासित करने के बाद राव कृष्ण सिंह ने 1903 में कर लगाया। उस कर का क्या नाम था? चंवरी कर था। चंवरी कर जैसे लगाया तो किसानों में रोष तो पहले से था, उसके बाद सर्वाधिक विरोध हुआ, तो राव कृष्ण सिंह ने घबरा करके 1904 में चंवरी कर क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। चंवरी कर क्या है तो लड़की के विवाह पर लिए जाने वाला एक कर था। कितने रुपए का था? 5 रुपए का था। कब लगा? ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं 1903 में, किस जागीरदार ने लगाया तो आप क्या कहोगे? रावे कृष्ण सिंह ने लगाया। सर्वाधिक विरोध हुआ तो 1904 को वापस ले लिया गया। 2 साल बाद राव कृष्ण सिंह की निसंतान क्या हो गई? मृत्यु हो गई। राव कृष्ण सिंह के कोई संतान थी नहीं, इसलिए राव कृष्ण सिंह के बाद में बिजोलिया का जो ठिकानेदार बना जागीरदार, उस जागीरदार का नाम था पृथ्वी सिंह। जागीरदार का नाम क्या है? पृथ्वी सिंह। और पृथ्वी सिंह जैसे जागीरदार बने
1907 में एक कर लगाया जिसका नाम था तलवार बंदाई कर। तलवार बंदाई कर क्या है? तो एक उत्तराधिकारी कर था और 1907 में तलवार बंदाई कर लगा दिया, वापस करों को शुरू कर दिया गया। तो साधु सीताराम दास प्रथम किसान आंदोलन जो बिजोलिया का प्रथम जो चरण था उसका नेतृत्व तो कर ही रहे थे। ऐसे करते करते लड़ते लड़ते लड़ाई जागीरदारों के विरुद्ध और बात आ गई थी 1915 में साधु सीताराम दास ने ओछेड़ी गांव चित्तौड़गढ़ में, कौन से गांव में? ओछेड़ी गांव चित्तौड़गढ़ में विजय सिंह पथिक को आमंत्रित किया और विजय सिंह पथिक को बिजोलिया किसान आंदोलन की बागडोर हाथों में दे दी। साधु सीताराम दास 1915 के अंदर यानी बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग हो गए और 1916 में जैसे ही विजय सिंह पथिक किसान आंदोलन बिजोलिया से जुड़े तो प्रथम चरण तो समाप्त हो गया और कौन सा चरण शुरू हो गया? दूसरा। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं दूसरा चरण, बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण। दूसरा चरण अभी मैंने बताया था 1916 से लेकर के 1927 तक। दूसरे चरण का नेतृत्व की अगर बात करें तो उस आदमी का नाम है विजय सिंह जी पथिक। विजय सिंह पथिक की मैं थोड़ी बात बता देता हूं क्योंकि यहां से कई बार प्रश्न आया भी है कि आपसे अगर पूछा जाए कि भारत में किसान आंदोलन का जनक किसे कहते तो विजय सिंह जी पथिक। विजय सिंह पथिक बुलंदशहर यूपी के थे, मूल नाम इनका भूप सिंह जी है। हमारे अजमेर के गोपाल सिंह खरवा के संपर्क में थे और विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह, बुलंदशहर यूपी के निवासी थे। विजय सिंह पथिक को साधु सीताराम दास ओछेड़ी गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर यहां आमंत्रित करते हैं और विजय सिंह पथिक ने साधु सीताराम दास के कहने से बिजोलिया किसान आंदोलन की बागडोर अपने हाथों में ले ली और कौन सा चरण प्रारंभ हो गया? दूसरा चरण। तो इसलिए मैंने लिखा है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया? विजय सिंह पथिक, मूल नाम क्या है? भूप सिंह जी। एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, विजय सिंह पथिक क्रांतिकारी थे और उस समय भारत में जगह जगह क्रांतियों की शुरुआत लड़ाई हो रही थी, इसलिए विजय सिंह पथिक ने सोचा बोले क्यों ना इस बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर एक पंचायत की स्थापना की जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और उस पंचायत का हम लोग बात करते हैं। तो विजय सिंह पथिक दो बातें हैं, देखिएगा मैं ऑप्शन बना करके बता देता हूँ प्रश्न किस प्रकार का, देखिएगा बहुत अच्छे से। 1916, 1915, 1916, 1917, 1918 इस प्रकार का अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रश्न का एक ही होगा कि विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से कब जुड़े, तो आप 1915 न करके 1916 करना होगा क्योंकि दूसरा चरण देखिएगा कब से प्रारंभ हो रहा है, 1916 से प्रारंभ हो रहा है। तो इसलिए इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे जा सकते हैं। अब देखिएगा, विजय सिंह पथिक जी क्रांतिकारी थे, इनको इस बात का पता था, बोले भारत में अगर बिजोलिया किसान आंदोलन के अपन बात करें कि चर्चा पूरे भारत में फैलानी है तो एक पंचायत की स्थापना करेंगे। उस पंचायत का नाम है ऊपरमाल पंचबोर्ड, ऊपरमाले पंचबोर्ड। ऊपरमाल पंचबोर्ड का गठन किया किसने? तो अब मैं एक बार सीधा लिख रहा हूं जिसका नाम है पथिक जी, और कब किया? 1917। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि ऊपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना किस दिन हुई? तो आप कह सकते हो हरियाली अमावस्या। कौन सी अमावस्या? हरियाली अमावस्या। ऐसे पर्सन, इस प्रकार के पर्सन, वो कई बार हरियाली अमावस्या पूछ लेता है या फिर श्रावण अमावस्या के दिन कौन सी अमावस्या मनाई जाती है, तो हरियाली अमावस्या। तो श्रावण अमावस्या का दिन था, ऊपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना बिजोलिया ठिकाने में कर दी गई कि किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा, और कब? 1917 के अंदर। तो ऊपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना करने के बाद विजय सिंह जी पथिक जो थे ये महात्मा गांधी से जुड़ना चाहते थे क्योंकि पथिक जी को पता था बोले बिजोलिया किसान आंदोलन की अगर खबरें भारत में फैलानी है तो भारत के बड़े बहुत बड़े एक नेता गांधी से मुलाकात करनी भी अवश्य समझी जाएगी। एक बात मैं यहाँ बीच में बता देता हूँ दोस्तों, क्योंकि उस ऐसी बातें जो है अक्सर हमारे एग्जाम में एक अटकर के प्रश्न पूछा जाता है, राजस्थान पुलिस में एक प्रश्न पूछा गया, उसका मैं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूं। जैसे ही विजय सिंह पथिक क्रांतिकारी थे, बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े, जुड़ने के बाद में इन्होंने तो पहला ही काम अपना कर दिया, पंचायत स्थापित कर दी ऊपरमाल पंचबोर्ड, और कहा सभी किसानों को, बोले जिस जिस किसानों की कोई समस्या है वो सारे के सारे इस पंचायत से जुड़ सकते हैं। तब राजाओं को इस बात का पता चला, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह और अंग्रेज जो थे उन्होंने क्या किया,
इस ऊपरमाल पंच बोर्ड पंचायत की स्थापना होने के बाद में और एक यहां पर बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच के लिए एक आयोग भेजा गया और उस आयोग का नाम है बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। कब गठित हुआ तो अपन कहेंगे 1918-19 के अंदर। मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड वगैरह या फिर अधीनस्थ बोर्ड पटवार की तैयारी कर रहे हो, इस प्रश्न को लिख लीजिएगा, मेरे हिसाब से बहुत शानदार प्रश्न बन सकता है। हम लोग बहुत यदा कदा सालों से रटते आ रहे हैं कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, प्रश्न हटकर के पूछा जाएगा। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग कितने सदस्य ही था, तो 3 सदस्य ही था। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग कितने सदस्य था, 3 सदस्य ही था। और बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग कब गठित हुआ, 1918-19 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का जो गठन जो था बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच के लिए किया गया, पर बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो पाई, इसलिए बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बिजोलिया किसान आंदोलन से क्या हो गया, असफल हो गया, और बिंदुलाल भट्टाचार्य जैसा आया था आयोग वैसा का वैसा वापस घर चला गया। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग को भेजने असफल होने के बाद में पथिक जी तो महात्मा गांधी से मिलना चाहते थे, और इसलिए विजय सिंह पथिक जो थे वो वर्धा महाराष्ट्र में महात्मा गांधी से मिलते हैं। तो देखिएगा बहुत अच्छी अच्छी लाइनें यहाँ से बनेगी। पथिक, पथिक का मतलब विजय सिंह पथिक। एक बात विशेष नोट करके लिख लीजिएगा, मेरे हिसाब से विजय सिंह पथिक को पथिक की उपाधि जो थी ना वो महात्मा गांधी ने दी थी। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपसे अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने विजय सिंह पथिक को पथिक की उपाधि कहां दी थी, तो वर्धा महाराष्ट्र में। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, लिख लीजिएगा आप लोग इसको। हाँ, अब देखिएगा विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन की पूरे भारत में फैलाने के लिए और गांधी से मुलाकात करना चाहते थे, और गांधी थन ध्यान है किसोग आदमी हो, तो महात्मा गांधी से पथिक जी मिलने के लिए गए, और महात्मा जो गांधी से मिला मुलाकात इनकी होती है वो होती है वर्धा महाराष्ट्र में, वर्धा महाराष्ट्र में। वर्धा महाराष्ट्र से पहले विजय सिंह पथिक, हाँ, वर्धा महाराष्ट्र के अंदर विजय सिंह जो पथिक जो है, और विजय सिंह पथिक वर्धा महाराष्ट्र के अंदर से पहले महात्मा गांधी से अमृतसर पंजाब में मिल चुके थे, पर उसके बाद में महात्मा गांधी ने विजय सिंह पथिक को महाराष्ट्र बुलाया और वर्धा महाराष्ट्र में गांधी जी रुके हुए थे, वहाँ विजय सिंह पथिक गए और विजय सिंह पथिक ने कहा, बोले राजस्थान का आंदोलन है, इसको आप बताइएगा हम लोग किस प्रकार से सफल करेंगे, और राजस्थान की जो जनता है वो इस प्रकार की जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तब महात्मा गांधी ने विजय सिंह पथिक को एक सलाह दी थी, बोले राजस्थान में जन जागृति फैलाने वाले कई नेता जो है उनको जोड़ने के लिए आप एक संगठन बनाओ। बहुत बढ़िया प्रश्न जो अभी करंट में पूछा गया उसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। गांधी के कहने से विजय सिंह पथिक ने राजस्थान के लोगों को, जन जागृति फैलाने वाले मुख्य लोगों को जोड़ने के लिए एक संगठन बनाया, उस संगठन का नाम था राजस्थान सेवा संघ। मेरे हिसाब से राजस्थान सेवा संघ, मेरे हिसाब से इससे बढ़िया और कोई प्रश्न नहीं होगा। इसके आसपास की सारी बातें मैं बता देता हूं। राजस्थान सेवा संघ का गठन कब हुआ, 1919 में हुआ, हुआ कहां था, वर्धा महाराष्ट्र में। बहुत बढ़िया प्रश्न, वर्धा महाराष्ट्र में। और राजस्थान सेवा संघ का गठन किया किसने था, तो उसका नाम है पथिक। बहुत ही शानदार प्रश्न, राजस्थान सेवा संघ का गठन 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे, विजय सिंह पथिक। राजस्थान सेवा संघ क्या है, राजस्थान की जनजागृति फैलाने वाले मुख्य नेताओं को जोड़ने का एक संगठन बनाया गया, वर्धा महाराष्ट्र में इस संगठन की स्थापना कर दी गई। पर एक पूछा गया प्रश्न जो थर्ड ग्रेड में पूछा, पिछली बार रेट में जो प्रश्न पूछा वो कितना शानदार प्रश्न हो सकता है, उसने इसे पूछा था कि राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय अजमेर से कब स्थापित हुआ। देखिएगा उसने सन दिया था इस प्रकार का, 1919, 1920, 1921 और 1922। सारे बच्चों का सही नहीं हो पाया, बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ, जिसको याद था वही। तो अजमेर से मुख्यालय इसका जो स्थानांतरित किया गया वो मुख्यालय 1920 में किया गया। तो इस प्रकार के प्रश्न भी कई बार पूछे गए। राजस्थान सेवा संघ का गठन 1919 वर्धा महाराष्ट्र में किसके द्वारा, विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया। और अपन बात करें कि राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय अपन बात करें अजमेर से,
तो अजमेर से मुख्यालय कब स्थानांतरित हुआ? 1920 में। बहुत शानदार प्रश्न है। आप पूछोगे कि सर राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय जो अजमेर में स्थानांतरित हुआ तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष तो पथिक जी ही रहे, क्योंकि भारत में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। अब देखिएगा राजस्थान सेवा संघ की, अब देखिएगा यहां से बहुत शानदार शानदार प्रश्न बनेंगे। आप बने रहिएगा, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरी एक आपसे अपील ये है कि मेरे वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इसलिए क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन आपको पता है बहुत लंबा किसान आंदोलन है, 44 वर्ष इसमें लग गए, तो कुछ ना कुछ टाइम तो मुझे भी लगेगा इसको पूरा करने में, तो इसलिए मैं थोड़ा सा विस्तार से चल रहा हूँ। तो राजस्थान सेवा संघ का गठन 1919 वर्धा महाराष्ट्र में, और उसके बाद अपन बात करें राजस्थान सेवा संघ का गठन किया किसने, तो विजय सिंह पथिक ने इस सेवा संघ के माध्यम से राजस्थान के और भी लोगों को जोड़ा। तो सदस्य इसके बहुत बार पूछे जाते हैं, तो देखिएगा जमुना लाल बजाज। उसके बाद बात करें माणिक्य लाल वर्मा। उसके बाद में अगर बात करें तो हरिभाऊ उपाध्याय। और भी कई नेता, जय नारायण व्यास। ये सारे सदस्य जो राजस्थान के अंदर जन जागृति फैलाने का बहुत अच्छा काम कर रहे थे, ये सारे के सारे सदस्य राजस्थान सेवा संघ से जुड़ गए। पर विजय सिंह पथिक ने सोचा, बोले इस संघ से काम नहीं चलेगा, इसलिए विजय सिंह पथिक ने इस बिजोलिया किसान आंदोलन को बाहर पूरे भारत में फैलाने के लिए एक पत्रिका निकाली, और उसी का भी बहुत शानदार प्रश्न पूछा गया। वो इसी राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से एक पत्रिका निकली, उस पत्रिका का क्या नाम था? तो देखिएगा बहुत शानदार प्रश्न यहां से बनेगा, और उस प्रश्न का विशेष ध्यान रखिएगा। उस पत्रिका का नाम था राजस्थान केसरी समाचार पत्र। और राजस्थान केसरी समाचार पत्र कहां से निकला? तो अपन बात करेंगे वर्धा महाराष्ट्र से निकला ये समाचार पत्र। किसने निकाला? तो विजय सिंह पथिक ने। और कब निकला? तो अपन बात करेंगे 1920 के अंदर। एक बहुत शानदार बात मैं आप लोगों को यहां बता देता हूं कि राजस्थान केसरी समाचार पत्र का अध्यक्ष तो विजय सिंह पथिक था, 1920 में निकला, वर्धा महाराष्ट्र से निकला। यही राजस्थान केसरी समाचार पत्र का जब अजमेर कार्यालय स्थानांतरित राजस्थान सेवा संघ का जब होता है तब इसका नाम जो था नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान कर दिया गया। तो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे समाचार पत्रिकाएं। तो राजस्थान केसरी समाचार पत्र वर्धा महाराष्ट्र से 1920 में विजय सिंह पथिक ने यहां से निकाला। इसलिए मैं एक बहुत शानदार प्रश्न जिसको नोट कर लेना आप लोग कि राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला तो किसने, यानी अध्यक्ष कौन है? विजय सिंह जी पथिक हुए। पर राजस्थान केसरी समाचार पत्र के लिए आर्थिक सहायता किसी आदमी ने अगर दी तो उस आर्थिक सहायता, बहुत अच्छा प्रश्न है, आर्थिक सहायता की अगर बात करें तो वो था जमुना लाल बजाज। मैं इस बात को भी आप लोगों को लगे हाथ बता देता हूं कि जमुना लाल बजाज को गांधी का पांचवां पुत्र कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जमुना लाल बजाज के पास में पैसा बहुत था, काशी के पास हमारे सीकर के थे, गुलाम नंबर 4 के नाम से भी जाने जाते हैं। और महात्मा गांधी को अगर किसी ने आर्थिक सहायता दी तो वो व्यक्ति कौन था? जमुना लाल बजाज। इसीलिए सो गांधी का पांचवां पुत्र के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान केसरी समाचार पत्र का अध्यक्ष तो विजय सिंह पथिक थे, और राजस्थान केसरी समाचार पत्र के लिए आर्थिक सहायता किसने दी थी? जमुना लाल बजाज। ऐसे प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड पूछेगा, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो राजस्थान केसरी समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में धीरे धीरे विजय सिंह पथिक ने बाहर फैलाना शुरू कर दिया, यानी बिजोलिया किसान आंदोलन की जो खबरें थी वो राजस्थान केसरी समाचार पत्र में छाप दी गई। नेक्स्ट देखिएगा क्या हुआ इसमें आगे। पर 1919-20 की अगर बात करें तो 1920 के अंदर महात्मा गांधी ने भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी ने स्पष्ट रूप से कह दिया था अंग्रेजों कि हमें आपका सहयोग नहीं चाहिएगा। इसलिए इस विजय सिंह पथिक को पता था, बोले इस राजस्थान केसरी समाचार पत्र एक से काम नहीं चलेगा, एक और पत्र भेजिएगा। तब देखिएगा बहुत अच्छा सा बात है, पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी
गणेश शंकर विद्यार्थी को राखी भेजता है और गणेश शंकर विद्यार्थी को अपना भाई बनाता है और गणेश शंकर विद्यार्थी के माध्यम से एक समाचार पत्र निकाला गया जिसका नाम प्रताप। कब निकला सर? 1920 में। कहां से निकला? ये कानपुर यूपी से। एक भी बात मैं बीच में नहीं छोड़ूंगा, आप ध्यान रखिएगा, मैं एक पूरा डिटेल से बता दूंगा जहां और भी पर्सन बनने की बहुत अच्छी अच्छी संभावनाएं रहती है। तो विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी को राखी भेजकर अपना भाई बनाया और कहा, बोलो आप हमारे इस किसान आंदोलन में मदद कीजिएगा। गणेश शंकर विद्यार्थी विजय सिंह पथिक का भाई बना और उसने फिर गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप समाचार पत्र 1920 में कानपुर यूपी से निकाल करके बिजोलिया समाचार पत्र यानी बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें पूरे भारत में फैला दी। जैसे ही विजय सिंह पथिक और गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर यूपी से ये प्रताप समाचार पत्र निकाला, तब क्या हुआ, आगे जाकर के विजय सिंह पथिक को 1922-23 में गिरफ्तार कर लिया गया। विजय सिंह पथिक को अजमेर का एक, अपन बात करें तो अजमेर के अंदर एक दुर्ग है जिसका नाम है टोडगढ़ दुर्ग, और टोडगढ़ दुर्ग कर्नल जेम्स टोड के नाम से बना है। राजस्थान में दो ही दुर्ग ऐसे हैं जो अंग्रेजों के नाम से चलते, एक तो टोडगढ़ अजमेर में और एक है भीमगढ़। भीमगढ़ के तो वर्तमान में अवशेष नहीं है, और टोडगढ़ जेल जो है इसमें विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार करके और बंद कर दिया गया। जैसे विजय सिंह पथिक को टोडगढ़ जेल में बंद कर दिया गया, टोडगढ़ दुर्ग को या जेल को राजस्थान की सेल्यूलर जेल कहते हैं, काले पानी की जेल, इस दुर्ग में बंद करने के बाद में विजय सिंह पथिक तो यहाँ कैद हो जाते हैं और उसके बाद में बिजोलिया किसान आंदोलन की जो नेतृत्व था पीछे से वो माणिक्य लाल वर्मा ने किया। माणिक्य लाल वर्मा से नेतृत्व अच्छा हुआ नहीं, किसानों की पूरी जो जमीनें जो थी वो राजाओं के द्वारा हड़प ली गई, यानी अपने हड़पने राजाओं ने अपने पास में रख ली। आगे जाकर के 24-25 में जैसे विजय सिंह पथिक यहाँ से रात के समय में फरार होकर के बिजोलिया पहुँचते हैं और उसके बाद में विजय सिंह पथिक की जो मुलाकात जो थी वो माणिक्य लाल वर्मा से हुई। माणिक्य लाल वर्मा और विजय सिंह पथिक की आपस में बनी नहीं, क्योंकि विजय सिंह पथिक ने जो है ना वो इस माणिक्य लाल वर्मा का बोले, ये आपने क्या कर दिया, आपने तो कुछ किया ही नहीं, किसानों की जमीनें सारी राजाओं ने हड़प ली है। इसलिए फिर क्या हुआ, माणिक्य लाल वर्मा और विजय सिंह पथिक की आपस में बनी नहीं और आखिरकार 1927 में विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग हो गए। तो हम लोगों ने बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण पूरा किया है, मैं आप लोगों को एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, सुनते रहिएगा आराम से और अपन देखते हैं दूसरे चरण की फिर बातें। मैं सन के माध्यम से बता देता हूं कि 1915 की बात थी। 1915 में ओछेड़ी गांव चित्तौड़गढ़ में साधु सीताराम दास ने किसानों को संबोधित करते हुए विजय सिंह पथिक को बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए आमंत्रित किया और 1916 में विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ जाते हैं। जैसे विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ते हैं साधु सीताराम दास अलग हो जाते हैं, और जैसे साधु सीताराम दास अलग हुए बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण तो पूरा हो गया, और 1916 में जैसे जुड़े तो कौन सा चरण प्रारंभ हो गया, दूसरा। और दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया, तो अपन क्या कहेंगे, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक भारत के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, मूल नाम भूप सिंह, बुलंदशहर यूपी के निवासी थे। भारतीय किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, विजय सिंह जी पथिक को कहा जाता है। और विजय सिंह पथिक 1916 में जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े और जुड़ते ही कौन सा चरण प्रारंभ हो गया, दूसरा। तो दूसरा चरण बिजोलिया किसान आंदोलन का 1916 में प्रारंभ होता है, और प्रारंभ होने के बाद में विजय सिंह पथिक को पता था, क्योंकि ये बहुत बड़े क्रांतिकारी हमारे अजमेर के गोपाल सिंह जी खरवा, अर्जुन लाल सेठी, प्रताप सिंह जी बारठ, जोरावर सिंह बारठ, सबके संपर्क में थे ये आदमी। इसलिए 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना बिजोलिया में कर दी। ऊपरमाल पंच बोर्ड की पंचायत की स्थापना जो थी वो हरियाली अमावस्या के दिन हुई, यानी श्रावण अमावस्या के दिन। ऊपरमाल पंच बोर्ड का संस्थापक कौन, विजय सिंह पथिक, इसलिए विजय सिंह पथिक को ऊपरमाल का देवता भी कहते हैं। नोट लगाते रहिएगा, साथ में लिखते रहिएगा आप लोग, विजय सिंह पथिक को ऊपरमाल देवता कहते हैं। और ऊपरमाल पंच बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष जिसको बनाया गया, सरपंच जिसे आप लोग कहते हो, श्री मन्ना पटेल को बनाया गया। पर ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना होने के बाद में विजय सिंह पथिक जो थे, ये विजय सिंह पथिक बहुत बड़े भारत में क्रांतिकारी महात्मा गांधी से मिलना चाहते थे, इसलिए वर्धा महाराष्ट्र में महात्मा गांधी से मुलाकात होती है। तब महात्मा गांधी ने विजय सिंह पथिक को कहा कि आप एक बार देखिएगा, आप इस किसान आंदोलन को अगर आपन समाप्त करना चाहते हैं और या फिर किसानों को जमीनें वापस दिलाना चाहते हैं, तो आप एक सेवा संघ यानी एक संघ बनाइएगा जिसके अंदर राजस्थान के सभी क्रांतिकारी या जनजागृति फैलाने वाले नेता शामिल हो जाएंगे। तो राजस्थान सेवा संघ का गठन कब हुआ था, 1919 के अंदर,
कहाँ, वर्धा महाराष्ट्र में, अध्यक्ष कौन, विजय सिंह पथिक, और इसके सदस्य जमनालाल बजाज काशी का बाद सीकर के थे, उसके बाद रामनारायण चौधरी, जय नारायण व्यास, अपन बात करेंगे माणिक्य लाल वर्मा, हरिबाबू उपाध्याय, ये सब लोग इस किसान सेवा संघ से जुड़ गए। उसके बाद में राजस्थान सेवा संघ का कार्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया, और उसी के बाद में जैसे ही आगे फिर विजय सिंह पथिक के कहने से गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप समाचार पत्र कानपुर यूपी से निकाला गया, और प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से इस किसान आंदोलन की बातें पूरे भारत में फैला दी गई। प्रताप समाचार पत्र जैसे निकला तो विजय सिंह पथिक को आखिरकार गिरफ्तार करके अजमेर के टोटगढ़ जेल में बंद कर दिया गया, जिसको राजस्थान की सेल्युलर या काले पानी की जेल कहते हैं, भारत की काले पानी की जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। उसके बाद में इसका पीछे से विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार करने के बाद बिजोलिया किसान आंदोलन का पीछे से नेतृत्व माणिक्य लाल वर्मा ने किया, पर माणिक्य लाल वर्मा से इस किसान आंदोलन का नेतृत्व हुआ नहीं, इसलिए 24-25 के अंदर विजय सिंह पथिक रात के समय में इस जेल से आगे आजाद हो जाते हैं और जाकर के बिजोलिया से माणिक्य लाल वर्मा से मिलते हैं। तब तक किसानों की जो जमीनें जो थी वो जागीरदारों ने अपने कब्जे में कर ली थी। माणिक्य लाल वर्मा और विजय सिंह पथिक की आपस में बनी नहीं, इसलिए विजय सिंह पथिक 1927 में बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग हो गए, और इसी के साथ इसका दूसरा चरण समाप्त हो गया। दोस्तों मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, दो चरण अपन ने बिजोलिया के पढ़े हैं, बिजोलिया बहुत बड़ा किसान आंदोलन है, तो इसलिए तीसरे चरण से आगे माध्यम से हम लोग शुरू करेंगे। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है, मेरे आपको अगर अच्छा से पसंद आया मेरे वीडियो, तो अच्छे से अच्छे शेयर कीजिएगा, और अभी थम लगा के बताइएगा कि केस और भी पढ़ने का आप इच्छुक हैं, तो हम लोग आगे भी इस क्लासें लगाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।